सर्वभूतेषु, ये कल हमने पढ़ा था, लेकिन इसको 22 नंबर पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धि राजसं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धि राजसं। यत्तु कृष्णं वेदकं यत्सु यत्तु कृष्णं यत्तु कृष्णं वदेकं वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम् अतत्वार्थ वदल्पञ्च तत् तामसम उदाहृतम्। आइए इसको पाठ करेंगे एक साथ। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धि राजसं। यत्तु कृत्स्नावदेकस्मिन् कार्ये सक्तं महेतुकम् अतत्वार्थात् अदल्पञ्च तत्तामसम् उदाहृतम्। मनुष्य एवं तिर्यगादि योनियों में जो तमाम जीव हैं, ये सभी भिन्न भिन्न जातीय हैं, उनका स्वरूप भाव अलग अलग है। इस प्रकार का ज्ञान जिनका है वो राजसिक ज्ञान है। कल हमने जो सात्विक ज्ञान के बारे में सुना था कि सात्विक ज्ञान किसका है, जो भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न आत्माओं को भिन्न भिन्न क्रिया देखते हुए भी समझता है कि आत्मा एक जैसी ही है सबकी, आत्मा का स्वरूप स्वरूपता एक ही है। ऐसा जो जानता है, हमने सुना है, हम जानते नहीं, जो जान गया उसका ज्ञान सात्विक है। जानना और सुनने में अंतर क्या है? ज्ञान उसे प्राप्त होता है जो व्यक्ति जान करके मानता है, केवल जानता नहीं, वो ज्ञान उसका परिपक्व होता है। हमारा ज्ञान जो है प्रैक्टिकली देखा जाए तो राजसिक ज्ञान है। हम सब जीवों को अलग अलग सबका स्वरूप है, अलग अलग सबकी क्रिया है, अलग अलग सबका भाव है, इस प्रकार से ही मानते हैं प्रैक्टिकली। हम लोग सबको एक कभी भी नहीं समझ पाते, जिसके कारण से हमारे ज्ञान को कहा गया है, हमारी जानकारी को राजसिक ज्ञान है। और इसको हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। सात्विक ज्ञान को अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया है, मतलब हम तो पता लग गया सात्विक ज्ञान का, ऐसा है सब एक ही आत्मा है, मालूम तो पड़ गया। फिर हमको मालूम पड़ गया तो हम क्या जानते नहीं? कहते नहीं, जो भीतर से जानना है ना, भीतर से अनुभव करना, वही वास्तविकता में ज्ञान होता है। गुरुजी
नित्य तत्व हैं, गुरु जी सर्वत्र हैं, ये हम जानते हैं। जानते हैं? सिर ऐसे हिलाओ, ऐसे करो जो क्वेश्चन करता हूं तो। जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते। सुना है, सुना है, समझ में आ गया है, लेकिन जानते नहीं है। जानना, देखना। ज्ञान शब्द का अर्थ होता है देख लेना। साधारण ज्ञान जो होता है वो होता है जानना, लेकिन ज्ञान शब्द विद्धि मतलब होता है जानना, और ज्ञान मतलब होता है प्राप्ति। तो गुरुदेव सर्वंतर्यामी हैं, गुरुदेव सर्वत्र हैं। गुरुजी अपने शब्दों के द्वारा, गुरुजी ने हरि नाम दिया उसके द्वारा, शरणागति के द्वारा गुरुजी सर्वत्र हैं। ये बात हमें नहीं मालूम। जिस दिन ये बात मालूम हो जाएगी, उस दिन किसी भी तरह से हम लोग कोई भी पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। हमारा क्या है, सभी शरीरों में पृथक पृथक आत्माएं। हमारा अनुभव जो है, हमारा ज्ञान जो है, किस ज्ञान कहां पे टिका है, वो यहां टिका है। सभी शरीरों में पृथक पृथक जीवात्माएं हैं, तथा देह के नाश होने पर उन आत्माओं का नाश हो जाता है। ये नहीं हमारा ज्ञान, ये थोड़ा इससे ऊपर है, मतलब राजसिक भी नहीं है पूरा। हमारा राजसिक और सात्विक मिश्रित है। उस तरफ ऊपर जा रहे हैं। हाँ, मतलब गुरु जी की कृपा से राजसिक से थोड़ा ऊपर हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका है। कहते ये असुरों का मत है, अतः अलग अलग देह से अलग अलग देह में अलग अलग आत्मा है, ऐसा जो भाव है, वे शास्त्र कारण से नाना प्रकार के अभिप्राय वाले लगते हैं। शास्त्र कारण से नाना प्रकार के अभिप्राय वाले लगते हैं। शास्त्र कारण से पृथक एवं पृथक एवा मेति तथा शास्त्र कारणात् पृथक विधाना नाना भावान नाना अभिप्रायान। अतएव पृथक पृथक देहेषु पृथक पृथक वात्मेति तथा शास्त्र कारणात् पृथक विधान नाना भावान नाना अभिप्रायान। कहते हैं एक तो ऊपर वाला है आसुरिक मत, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिसके बारे में बोलते, जो शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश हो जाता है, ऐसा मानता है, ऐसा जानता है, इसी पे चलता है। वो है आसुरिक बुद्धि। लेकिन एक ये है, अलग अलग देह में अलग अलग आत्मा है, और अगर उनका शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो उन लोगों का नाना प्रकार के क्रियाएं हैं, नाना प्रकार के उनकी इच्छाएं हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं, नाना प्रकार की क्रियाएं, और उसी नाना प्रकार की इच्छाओं और क्रियाओं के अनुसार ही उनको सुख और दुख, आश्रय और आश्रय विहीनता, नहीं आश्रय मिलना, इस प्रकार से होता है। जैसे हम लोग ये वाला भी जो राजसिक जो अभी जो बतलाया जा रहा है, जिस राजसिक के बारे में शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो राजसिक वह है जो यह समझता है कि इसने कोई ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण से ये कष्ट इनको मिल रहा है, इसने पाप कर्म किए थे इसलिए जो है कष्ट मिल रहा है, भोगना पड़ेगा, ये ज्ञान राजसिक ज्ञान है।
इसने पुण्य किए इसलिए ऐसे ऐसे इसको मिल रहा है। ये ज्ञान राजसिक ज्ञान, मतलब एक ज्ञान आत्मवत आत्मदर्शन, एक ज्ञान व्यक्ति की स्थिति के अनुसार जैसी क्रिया चल रही वैसा उसके अंदर भेद दर्शन, भेद दर्शन होना, ये जो है और एक बात कही है, जो आत्मा है वो सुख दुख का आश्रय है। आत्मा जो है वही सुख और दुख को भोग करता है, ऐसा जो विचार रखते हैं। आत्मा ही सुख दुख का अनुभव करता है, ऐसा जो विचार रखते हैं कि सुख दुख कहीं भी नहीं है, सुख दुख है नहीं। अगर आत्मा ना हो तो अनुभव शरीर को नहीं होता। ये साधारण सी एक थ्योरी है जिस पे हम सभी लोग चलते हैं। सुख और दुख, कष्ट शरीर में होना, शरीर को आनंद मिलना, सुख मिलना, ये जो है आत्मा नहीं रहने से नहीं होगा। आत्मा नहीं रहने से शरीर जला देते, तो अनुभव कौन करता है? कहते आत्मा ही सुख दुख का आश्रय है, ऐसा जो मानते हैं कि सुख दुख वास्तविकता में है नहीं, लेकिन उसको अगर कोई आश्रय मिलता है, सुख दुख अगर कहीं टिकते हैं, सुख दुख का अपना आश्रय जो है, सुख दुख अपने आप में कोई सॉलिड चीज नहीं है कि उनका कोई अपना आधार हो, सुख और दुख एक भाव है, और भाव जो है वो आत्मा में होने के कारण आत्मा उसका आश्रय बनता है। नहीं समझे? जल एक भाव है, हवा एक भाव है, तो जल जहां पे रहता है उस गिलास में, पात्र में, तो वह उसका आश्रय बनता है। ऐसे ही सुख दुख आश्रयहीन है, ये तो जल तो आश्रयहीन नहीं है, लेकिन सुख दुख आश्रयहीन है, उसका आश्रय आत्मा है, ऐसा जो समझता है उसका ज्ञान राजसिक ज्ञान। अभी तो वह तो बात नहीं हुई, वो नहीं हम बोल रहे ना। तो ऐसा जो समझता है वो कहते हैं वो व्यक्ति राजसिक ज्ञान वाला। इसी चीज का मतलब ये राजसिक हो गया। तामसिक क्या है और पस्तिक क्या है? पहले वाला तो आया ना, जो कि आत्मा जो है वो पूर्ण चैतन्य है, और आत्मा जो है कहीं भी चित जाती है, उसके अंदर कहीं भी कोई भी विकार नहीं होता है, आत्मा अनश्वर है, नित्य है, आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है, वो सात्विक भाव वाले। इसी बात को जो आप ये तो हो गया उसका सात्विक ज्ञान वाले का, जो अभी लाइन बोली, नाना योनियों में भ्रमण करते हुए भी अनश्वर शरीर में, जो नश्वर शरीर में मृत्यु मरने वाले शरीर में खुद अमर है, आत्मा मरने वाले शरीर में रहते हुए भी अमर है, ये सात्विक ज्ञान है। राजसिक ज्ञान वाला व्यक्ति ये देखता है कि जो सुख और दुख है ये एक तरह से भाव है, वास्तविकता में सुख और दुख आत्मा ही भोगता है, ये राजसिक सोच है। और सात्विक सोच क्या है? इसी बात को लेकर सात्विक सोच ये है कि किसी भी प्रकार से शरीर की क्रियाओं से, मन की क्रियाओं से आत्मा अलग है। सात्विक भाव वास्तव में ये है, वास्तव में मतलब इसका मतलब वो शरीर ही सुख दुख भोगता है। अब शरीर सुख दुख भोग रहा है कि नहीं, ये तो बात अभी हमने सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, भूली नहीं, वो बाद में बात आएगा, अभी आएगा, आने दो, एकदम मत लो। कहते हैं जड़ चेतन व्यापक अनु स्वरूप इस प्रकार अनेक कल्पनाएं जिस ज्ञान में होती है वह राजसिक है। जड़ चेतन, जड़ किसे कहते हैं?
जड़ किसे कहते हैं? जो खुद से नहीं कार्य कर सकते। जड़ किसे कहते हैं? जो खुद से कोई कार्य नहीं कर सकता। जड़ की डेफिनेशन क्या है? जिससे इच्छा क्रिया अनुभूति ना हो। जिसमें इच्छा क्रिया अनुभूति ना हो। इच्छा क्रिया अनुभूति ना हो उसे जड़ कहते हैं। चेतन जिसमें हो। जिसमें हो। व्यापक जो सर्वत्र फैला हुआ हो। और अनुस्वरूप सूक्ष्म। इस प्रकार की अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं करते हैं उनका ज्ञान राजसिक ज्ञान है। देखिए अब इसको ब्रीफ में समझ लीजिए। जितनी आत्माएं हैं सब अलग अलग हैं, सब अपने कर्मों का भोग भोग रही हैं, सारे के सारे संसार में जो आई हैं सब सुख दुख जो प्राप्त कर रही हैं वो अपने कर्मों के कारण ही कर रही हैं, तथा कोई आत्मा क्षुद्र है, कोई बड़ी है, कोई व्यापक है, कोई चारों तरफ से उसका, जैसे हाथी की आत्मा, वो आत्मा बहुत विशाल है और चींटी की आत्मा बहुत छोटी है, इसलिए चींटी को दुख या सुख इतने में अनुभव हो जाएगा, हाथी को इससे कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए हाथी की आत्मा व्यापक है, इस प्रकार से बुद्धि रखने वाले। और जड़ और चेतन, ये तत्व जो है फलानी वस्तु जड़ है इसे जड़ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पेड़ पौधे जड़ हैं, गेहूं जड़ है, लकड़ी जड़ है, जड़ तो है, जड़ ही है। उसको चेतन जो है, जो चींटी चल रही है वो चेतन है, हाथी चल रहा है तो चेतन है। ऐसा ज्ञान जिनका होता है, जहाँ जो कल्पनाएं करते हैं उनका राजसिक ज्ञान है। ठीक है, इसमें समझ लीजिए दोबारा से एक बात को कि यहां जो जो जैसा जैसा है उसको वैसा वैसा समझ के उसको वैसे वैसे कल्पना करते हुए कि आत्मा ही अपने कर्मों का फल भोगती है। अंडरलाइन, आत्मा ही अपने कर्मों का फल भोगती है, ये जो भाव है ये मुख्य रूप से राज्य का। जो आत्मा को सब कुछ मान रहा है वो राज्य। आगे कहते हैं यत्तु कृष्णवदीक वदीकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम् अतत्वार्थ वदल्पञ्च तत्त्वं तत्ताम सम उदाहृतम्। स्नान भोजन इत्यादि शारीरिक कार्यों को ही श्रेष्ठ कार्य समझकर जो उसमें आसक्त है उसका ज्ञान तुच्छ और तामसिक है। भोजन, स्नान, खाना पीना, सोना, संसार में भोगों को प्राप्त करना और बस यही सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवा भस्मीयस्य देहस्य पुनः जन्म कुतः। दोबारा किसका जन्म होना है? खाओ पियो मौज करो और क्या है, सब भाई कृष्णा कृष्णा रामा रामा कर रहे बेकार, ये सब इतना मिला है सब हमारे लिए खाने के लिए, भगवान बनाया उसको नहीं खाएगा, टेस्ट नहीं करेगा तो वहां जाके फिर वापस भेजेगा कि तू वो खा के नहीं आया, वो खा के आ, हाँ वो भोग करके नहीं आया, भोग करके आया। मेरे को ऐसा शिक्षा दिया था किसी ने मठ में जब आया, तेरे को भी सबको देते हैं, कहते देखो भगवान ने जन्म दिया, भगवान जन्म दिए छे, हाँ आरे संसारे आसले जे संसारे जा किछु सुख दुख आछे से सब भोग करते लागे, से भोग ना करले आज यदि तुमरा ओखाने जावे यदि चलियो जाओ ओखान थेके लाती मारे ठेली देवे लाती मारे ठेले देवे फैलाई देवे कि तुमी तो संसारे सुख भोग करे आसो ना। এই জন্য বিয়ে করাও, সব সুখ দুঃখ ভোগ করার পরে লাস্টে গিয়ে ভোজন করো, তাহলে ভগবান স্বীকার করবে। এরকম করে
ज्ञान दिए छे, से ज्ञाने पड़े सत्यनाश हो छे, जार जार पड़े छे। यही जन्ने क्या कहते हैं, जो केवल इसी को श्रेष्ठ समझते हैं, बस खाओ पियो, किसने देखा अगला जन्म, कौन नरक कौन स्वर्ग, यही सब स्वर्ग है यही सब नरक है। स्वर्ग का सुख जो वहां सुनते हो शास्त्रों में, जहां जहां भी सुनते हो, मदिरा पियो, स्त्रियों के साथ लिप्त रहो, यही स्वर्ग का सुख है। और वास्तविकता में स्वर्ग में यही सुख है, स्वर्ग में सुख क्या है, भोग सुख है। इसलिए स्वर्ग वाले जो हैं भजन नहीं कर सकते, स्वर्ग में रहने वाले भजन नहीं कर सकते, उनको भजन के लिए साधु वैष्णव और भक्तों का मुख देखना पड़ता है कि ये लोग कुछ करेंगे तो उसमें से कुछ अंश हमें मिल जाएगा, तब वो देवता लोग देवता बने रहते हैं। नहीं समझे, अपना साधन तो उनका होता है, अपनी तपस्याएं अपने पहले के कर्म होते हैं। तो जो तामसिक बुद्धि वाला है वो कहता है कोई नहीं कुछ नहीं, स्वर्ग देख वही अंबानी वही स्वर्ग में है, नरक देख ए जय झोपड़ी में बैठा है नरक में, और हम दोनों का सुख लेता है। स्वर्ग जगता है तो नरक, समझे नहीं। इस प्रकार से तामसिक बुद्धि वाला व्यक्ति वो किसी भी कार्य को बड़ा बना देगा, बस यही है सब, यही भगवान यही है, मान ले मेरी बात, तेरे को भगवान यही मिल जाएगा। एक कुत्ता नहीं है वो, कल पुजारी जी एक बात कह रहे थे, काल्पनिक नामों के द्वारा, क्या था वो, काल्पनिक नामों के द्वारा भगवत जो वो कुछ करते हैं, काल्पनिक नामों के द्वारा जो कहते हैं हम प्रभु की उपासना कर रहे हैं, तो कुछ रसाभास वाला नहीं, वो मूढ़ व्यक्ति। तो काल्पनिक नाम क्या होते हैं, काल्पनिक नाम होता है मेरा पुच्चू पुच्चू, ये ठाकुर जी का नाम रख दिया मेरा पुच्चू पुच्चू है ना, मेरा बटुआ, जो अपने बच्चों के साथ जो क्रिया रखते हैं भगवान के नाम की, ऐसे भगवान का नाम ऐ कर दिया, और वो बटुआ 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 बोलते बोलते चिंतन भगवान का होगा तो भगवान मिल जाएंगे, ये भी तामसिक ज्ञान है, समझे ना। वो जो बोल रहा है देख कुत्ता नहीं है ये, इसमें देख भगवान है, दिखता है नहीं, देख नहीं, वो सामने वाला बोलता तू बोला क्या, नहीं नहीं देखता, नहीं देख 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 वो आत्मा है उसमें, देख दिखती है नहीं दिखती, देख चला इसको दिखेगी देख आत्मा है, और उसमें आत्मा में परमात्मा है, शास्त्र में बोलता है ना, तू पढ़ता है ना, हम जानता है उसको, हम शास्त्री, हम वास्तविकता में शास्त्र कथा बोलने वाले क्या जाए, तामसिक ज्ञान वाले इनको कहते हैं। प्रत्येक क्रिया में तामस उत्पन्न कर दिया, और फिर क्या कहते हैं, क्या कारण है उसका, अयथाभूत होने पर भी अहेतुक अर्थात औत्पत्तिक के रूप में प्रतिभात होता है। शब्द कुछ ऐसे दे रहे, उनका ज्ञान तुच्छ और तामसिक है, जो संसार की क्रियाओं, देखिए जो मैंने अभी कुत्ते वाली उदाहरण दिया ना, ये एक बहुत बड़ा अपने आप को विद्वान समझने वाला जिसने दुनिया को हिला के रख दिया था, ये उसका सिद्धांत है। और कुछ तथा कथित ब्रह्म ज्ञानी, तथा कथित का मतलब कहने के लिए ब्रह्म ज्ञानी, उन लोगों का ये सिद्धांत है, वो कहते हैं कोई भी तत्व तुम्हारे सामने है उसमें परमात्मा का वास है, और वो जो परमात्मा है उसको देखने का प्रयास तुम्हारा साधन है, तुम भी परमात्मा हो, तुम देख नहीं पा रहे हो, इसलिए सामने तुम कुछ भी रख लो, सामने तुम कुछ भी रख लो, लाखों लाखों शिष्य हैं उनके, सामने कुछ भी रख लो वो कुछ भी नहीं है, जिस दिन तुम देखोगे अंत में वो नहीं रहेगा,
जैसे कुछ भी, बेटा बेटी, बाप माँ, कोई भी, किसी को भी तुम परमात्मा मान लो। परमात्मा तो मानने वाली चीज है, वो तो भाव की प्राप्ति से होता है। भाव होगा तो पत्थर में भी राम मिल जाएगा, भाव नहीं होगा तो तुर को साक्षात खड़े भी होंगे तो भी नजर नहीं आएगा। तो इसलिए इस संसार में कुछ भी नहीं है। देखो क्या है इस हाथ के ऊपर, क्या है, क्या है? कुछ भी नहीं। हाथ के नीचे कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर कुछ दिख रहा है कि नहीं? ऊपर कुछ, हाथ के ऊपर कुछ है? नीचे अंधेरा है कि नहीं? बोलो ना, फटाफट बोलो। आपकी कुछ नहीं। हाथ के ऊपर क्या है? हाथ के ऊपर तो छत है। मैंने इस हाथ के ऊपर क्या है? हवा है। हवा है। हाथ के नीचे? हाथ के नीचे भी हवा है। अच्छा, हवा को हटा दो तो क्या है? हवा हटे क्या सकती है? अगर हटा दो आकाश है, आकाश को हटा दो तो क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग कहां से आ गया? निराकार। इधर भी अच्छा, अभी क्या हिल रहा है? हाथ हिल रहा है। जो बीच में था वो हिल रहा है, जो बाहर था वो हिल रहा है, जो बीच में है, जो बाहर है, जिसमें सब कुछ है, जो भीतर है, हाथ के बाहर है और जिसमें सब हाथ भी है, सब कुछ है, वही वास्तविकता में निरंकार है। वही निरंकार है। और वो जो निरंकार है वो किसी भी शरीर में क्यों नहीं है? सब में एक ही है, एक को निरंकार, एक ही है वो। तुम किसी भी व्यक्ति की पूजा कर लो, एक ही निरंकार है। सिद्धांत है जी ये, जो जगत में प्रचलित है। और देखिए भगवान उसे क्या कह रहे हैं, तामसिक है, कहते हैं राम बोलो, कृष्ण बोलो, दुर्गा बोलो, शिव बोलो, या गैया बोलो, भैंसा बोलो, कुत्ता बोलो, बिल्ली बोलो, जिस वक्त ये नाम करते करते जब तुम्हारे तल्लीनता हो जाएगी उसमें, तुम अपने आप को भूल जाओगे, तब वही जो है तुम्हें परमात्मा के रूप में दिखाई दे जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। और वही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मुझे बख्श ले। आज तुम सबका निरंकारी दीक्षा हो गई, जो जो सुन रहे हैं सब निरंकारी बन गए आज के दिन। ये मंत्र है उनका मूल मंत्र, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मुझे बख्श, बस ए मंत्र, समझे नहीं? तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कहता है कि इस संसार में, आगे की उनकी सिद्धांत, इस संसार में आए हो, सारे सुख सारे दुख तुम्हारे लिए ही हैं, तुम भोग करो। उस निराकार ने, उस परमात्मा ने, उस ब्रह्म ने, जिसे तुम भगवान कहो, कुछ भी कहो, उसने तुम्हें ये दिया है भोग करने के लिए, इसलिए सुख लो। और इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, सब यही है। ऐसा जो बोलते हैं वो तामसिक ज्ञान है। आपको कौन से वाला अच्छा लगा, ये वाला या इससे पहले वाला? कौन सा अच्छा लगा? ये वाला ना, ये देखो, ये होता है। इसमें जबरदस्ती नहीं आप किसी को थोप सकते। अच्छा, हमें पहले वाला जो है सात्विक, हमारे समझ में वो आने पर भी उतरा नहीं है अंदर, इसलिए हम किसी पे उन्हीं उसका किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। हमारा राजसिक है, हमारी स्थिति राजसिक वाली, पृथक पृथक आत्माएं पृथक पृथक कर्मों का फल भोगते हुए इस संसार में आती हैं, अपने फलों को भोगते हुए संसार से चली जाती हैं, संस्कार लेकर के जाती हैं, संस्कार लेकर के आती हैं, कर्म करती हैं, प्रारब्धों के साथ आती है। ये तो हमारी थ्योरी है ना। तो हम राजसिक में स्थित हैं, और तामसिक वाले कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सब परमात्मा में हो रहा है, परमात्मा के अंदर ही सब कुछ चल रहा है।
तुम परमात्मा से बाहर हो ही नहीं। जब परमात्मा से बाहर हो ही नहीं तो परमात्मा ही हो। ये तो भंडा है जो फूट जाएगा, ये पिंड खत्म हो जाएगा, ये घड़ा खत्म होगा तो आकाश में ही मिल जाएगा परमात्मा। शरीर खत्म होने से तो तुम परमात्मा बन गए। ऐसा जिनका ज्ञान है वो है तामसिक ज्ञान। तामसिक मतलब तुच्छ ज्ञान। ये लगता सबसे बढ़िया ज्ञान है, सबसे अच्छा ज्ञान लगता है, लेकिन सबको अच्छा लगता है। ये सभी तामसिक लोग हैं। वास्तविकता में सात्विक राजसिक और तामसिक ज्ञान के बारे में भगवान जो बतला रहे हैं इसको समझना चाहिए। टीका में भगवान, इसकी टीका में हमारे श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, जो ज्ञान अहेतुकम अर्थात तर्क मात्र है, केवल लौकिक स्नान पान भोजन स्त्री संभोग और उनके साधन कर्मों में आसक्त रखता है, किंतु वैदिक कर्म यज्ञ दान इत्यादि नहीं करता, वह ज्ञान तामसिक है। तामसिक ज्ञान क्या है? बिना बात का, अहेतुकम, बेतुका, कोनो ओ, ओ, और कोनो तर्क नए, जो ज्ञान आचे कोनो विशेषतार आधार नए, एमन ज्ञान जे जे ज्ञानेर मध्ये आमरा बोली स्नान करो भोजन करो पान करो स्त्री संग और ए संसारेर जे क्रिया एटाई वास्तव सुख। आर के जे भगवान कोथा है भगवान? किच्छु नहीं। शरीर नष्ट होवार परे आमरा भगवानेर मध्ये छिलाम, भगवानेर मध्येई थाकबो, भगवानेई थाकबे। আর যত এখন প্রাপ্ত হয়েছে সেটাকে শেষ করো না, সেটা নষ্ট করো না, জীবনটা শেষ করার আগেই সব ভোগে না। এই যে ভাব, এটা হচ্ছে তামসিক জ্ঞান। ভগবান এটাকে নিন্দা করছেন, বুঝছেন? হরিহরায় নামা কৃষ্ণ যাদবায় নামা, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নামা, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন, গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন, শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত সীতা, হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা, জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। হইছে গোসাঁইর করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাথ অভীষ্ট পুরাণ। হইছে গোসাঁই আর মুই তার দাস, দাসবার পদ রেণু মোর পঞ্চগ্রাস, তাদের চরণ সে বিভক্ত সনিবাস, জনমে জনমে হায় অভিলাষ। হইছে গোসাঁই যাব ব্রজ তৈলাবাস, রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ, আনন্দে বলো হরি ভজো বৃন্দাবন, শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই অমন। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, वहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा। तीम शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंकनखल, বাগিশ বন্দে লক্ষ্মী বক্ষি যশাস্তে হৃদয় সম্বিত নরসিংহমহম ভজে। শ্রী নরসিংহ জয় নরসিংহ জয় জয় নরসিংহ, প্রহ্লাদে জয় পদ্মমুখ পদ্মভৃ। ইতো নরসিংহ পরতো নরসিংহ, যতো যতো যামি ততো নরসিংহ, বহি নরসিংহ হৃদয় নরসিংহ, নরসিংহ মাধীম শরণম প্রপদ্যে। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंकनखले, बागीशयस्य वन्दे लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवितं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रहलादे जय पद्ममुख पद्मभृङ्ग। यतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, वहि नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंकनखले,
वागीशय शिवने लक्ष्मीयश्च वशसि यशास्ते हृदय संवितं नरसिंह मां भजे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादे जय पद्म मुख पद्म भृंग इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह वै नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखले।